थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा कि इस 9 साल की यात्रा में छत्तीसगढ़ कहां से कहां पहुंचा। हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, इन्होंने कुछ जानकारी मैं इनके देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में 9 साल पहले 1588 स्कूल थे, आज उसकी संख्या 3 गुनी बढ़ गई, 3391 हाई स्कूल हो चुके हैं। पहले छात्रों की संख्या, महाविद्यालय में पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या 9 साल पहले 1,60,000 थी, वो बढ़ के 5,60,000 हो गया है। 4 गुना ज्यादा हमारे महाविद्यालय के छात्रों की संख्या बढ़ी है। 4 विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में थे, वो 13 विश्वविद्यालय हो गए हैं। शासकीय हमारे विद्यालय 116 से बढ़ के 181 हो गए हैं। सिर्फ 11 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ के 50 से ज्यादा हो गई है। ये छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद जो चमत्कार हुआ है। आपके लिए संसाधन विकसित करने में पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 से बढ़ के 23 हो गए हैं, फार्मेसी 1 से बढ़ के 16 हो गया है, कृषि और पशु विद्यालय 3 थे, इस 9 साल की यात्रा में इसकी संख्या बढ़ के 30 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 1 से 3 हो गए हैं, डेंटल कॉलेज 1 से 6। ये सारी संख्या मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के विकास के बाद आपके लिए, यूथ के लिए, जिस आंकड़ों को ब्रिजमोहन जी बता रहे थे, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो होता है, जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे आते हैं उनका जीआर में जो वृद्धि हुई है वो देश में चमत्कृत करने वाली हुई है। जीआर में देश में 7% की वृद्धि हुई है, मगर छत्तीसगढ़ में 9 साल पहले 2.5 से बढ़ के 20% तक जीआर गया है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है यूथ के लिए और हम सब के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर 300, कौशल उन्नयन के लिए जिन कामों को बेहतर तरीके से काम की कल्पना की, इस विजन को हमने आगे बढ़ाया। जब मैं बात करता हूं विजन 2020, तो मेरे मित्र कहते हैं कि आपको तो अभी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद चुनाव में आना है, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप 2020 की बात क्यों करते हो। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री आज हूं, 9 साल से हूं, मगर मेरी और मेरी कल्पना 2020 में छत्तीसगढ़ कैसा होगा, उसके लिए फाउंडेशन स्टोन बनाने का काम, रास्ता बनाने का काम तो हमारी टीम को है। हम 2020 और 2030 की कल्पना इसलिए करते हैं कि आने वाला कल ये छत्तीसगढ़ किस दिशा में जाएगा, हमारी यूथ के लिए हम क्या करके जा रहे हैं, क्या करेंगे। देश के अंदर एक चमत्कार हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक नई सोच को लेकर पीपीपी मॉडल पे हिंदुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ है जिसने रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉरिडोर के निर्माण की कल्पना की। डीपीआर हमने बनाया, प्रपोजल बनाया, रेलवे मिनिस्टर से दिल्ली में जाके मिले, और आप आश्चर्य करेंगे कि छत्तीसगढ़ में पिछले 40 साल से 10 किलोमीटर भी नए रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ था, मगर जब हमने प्रस्ताव लेकर दिल्ली में जाके रेलवे मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से मिले, फाइनेंस कमीशन से, प्लानिंग कमीशन के लोगों से मिले, और ये खुशी की बात है छत्तीसगढ़ के युवकों के लिए, इस दोनों कॉरिडोर की स्वीकृति प्रधानमंत्री जी ने दी और 1,800 करोड़ का रेलवे लाइन का काम प्रारंभ हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के भविष्य का एक मील का पत्थर होगा।